हेलो दोस्तों, आप सभी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एटीएम पिन जनरेट करने का वीडियो दोबारा बना रहे हैं। देखिए वीडियो को और सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पिन जनरेट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। बहुत ही आराम से समझा रहे हैं पूरा प्रोसेस, वीडियो में जिस तरह से दिखा रहे हैं उसी तरह से कीजिएगा तो आपका पिन जो है जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंफर्म कर दीजिए और फिर से अगेन कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ओटीपी में आपका जो पिन है वो इंग्लिश लेटर में लिखा हुआ होता है, उस पिन को आप यहाँ पे डाल करके और पिन चेंज कर सकते हैं दोबारा। तो चलिए फिर से एटीएम लगाते हैं। ये देखिए एटीएम लगा दिए हैं। अब यहाँ पे पिन जो है बन चुका है मेरा, मैसेज के द्वारा पिन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग में जाना है। आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कोई दो अंक का नंबर डाल दीजिए। उसके बाद जो पिन आपके मोबाइल पे आया हुआ है वो पिन यहाँ पे डाल दीजिए। पिन डालने के बाद पिन चेंज का ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं। पिन चेंज पे ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप नया पिन डाल दीजिए। उसके बाद री इंटर न्यू पिन कर दीजिए। दो बार डालने के बाद बस आपका पिन जो है चेंज हो जाता है और नया पिन इसी के साथ जनरेट भी हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए योर पिन हैज़ बीन चेंजेड सक्सेसफुल।